आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सच्चिदानंद तो आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन में आप जैसे किसी दो समीकरण को आप हल करना चाहते हैं, जैसे इनको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन को हम लोग कहते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। आप जानते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण भी आप जानते हैं, दो चर वाला भी ये भी आप जानते हैं, लेकिन इसमें बताना क्या है, जैसे इसमें बहुत कम से कम समय में ये सवाल को हल किया जाए ये बताना है कि आप इसे 5 सेकेंड 10 सेकेंड 6 सेकेंड में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कम समय में आप बना पाएंगे। ऐसी बात नहीं कि हम कह दिए कि आप बना लेंगे 5 सेकेंड में तो बना लेंगे, बन नहीं पाएगा। कब बनेगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। तो आप जैसे विलोपन विधि है, ब्रज गुणनखंड विधि है, तो आप कई विधि लगाते हैं इनको हल करने के लिए, लेकिन उससे बहुत आसान ये विधि है जिस नियम से हम आपको बताना चाहते हैं। तो हमारे साथ आप बने रहेंगे कुछ समय तक और इनको हम क्लियर करते हैं। इसमें वाई का मान निकालना बताएंगे, एक्स का मान निकालना, यानी दोनों कई तरह का इसमें सवाल बताएंगे, तो आप बने रहें। सबसे पहले एक बेसिक सवाल ले लेते हैं। एक ले लेते हैं सबसे पहले जो शुरुआत किया जाता है, मुख्य रूप से तो 6-7 से शुरू होता है ये सब सवाल, लेकिन आपको जानना जरूरी है ना कि इसमें अब करना क्या है। देखिए इनमें यक्स का गुणांक ना हो, यक्स दोनों धनात्मक हो, वाई का गुणांक ना हो, एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो, तब हम लोग कैसे निकालेंगे यक्स और वाई का मान कैसे निकालेंगे देखेंगे। धन इनका गुणांक नहीं होना चाहिए तब ये नियम लगेगा। कैसे? यहां पे जब यक्स का मान निकालना हो तो यक्स लिखेंगे। सही बता दिए आपको कि यक्स का गुणांक ना हो और वाई का गुणांक, जिस गुणांक को हम लोग कोफिशियंट बोलते हैं, ना हो और एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो, तो कैसे निकालेंगे? यक्स बराबर इनमें इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, हो जाएगा 13 + 9 और बटे में 2। कर लेंगे, जोड़ लेंगे, 13 + 9 कितना हो जाएगा? 13 + 9 आपको पता है कितना हो जाएगा, आप जोड़ भी लेते हैं, 13 + 9 हो जाएगा 20, 2 = 22 हो जाएगा, कितना होगा? 22 होगा। और 22 में आप 2 से भाग दे दीजिए तो यक्स का मान पता चल गया। ठीक है, तो अब पता चल गया 2 × 1 = 2 और 2 × 1 = 2, यानी यक्स का मान पता चल गया 11। तो कितना? 11 × 22 होता है। सही बात है, तो यक्स का मान पता चल गया, मिल गया कितना? 2। y का मान निकालेंगे। देखिए कैसे y का मान निकाला जाएगा। अब इनमें y का मान जब निकालेंगे तो y के लिए क्या किया जाता है, y के लिए हम लोग करते हैं 13 में से 9 को घटाते हैं, यानी 13 - 9 और बटे 2। 2 से इसलिए हम लोग भाग देते हैं कि 2 ही को तो जोड़ रहे हैं और 2 ही को घटा रहे हैं हम लोग, तो जितने को जोड़ेंगे उतने से भाग दे देंगे। 2 को जोड़ते हैं तो 2 से भाग दे देंगे। समझ में आ गया? तो हम इनको 13 में से 9 को कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। समझ में आ रहा है? 4 होगा। और 4 में हम 2 से भाग देंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी y का मान मिला कितना? मिला 2। यानी इस तरह का सवाल और वीडियो में हम बता चुके हैं, जो आज दोहरा रहे हैं हम। ठीक है, आज इनको दोहराते हैं। अब अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें x और y का मान पता चल गया, कैसे निकालते हैं? जब x का मान निकालेंगे तो जोड़ कर 2 से भाग देंगे, y का मान निकालेंगे तो घटा कर 2 से भाग देंगे। दूसरा सवाल देख लीजिए। एक इनमें यहां पे भी इनके गुणांक ना हो और इनका बी का भी गुणांक ना हो और एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक, उस स्थिति में हम लोग ए और बी का मान कैसे निकालते? ए का मान निकालेंगे तो
इन दोनों को जोड़ेंगे 27 प्लस 5 बटे में 2 जोड़ लेंगे। 27 प्लस 5 कितना होता है, 32 कितना होगा, 32, और 32 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 16। तो ए का मान पता चल गया 16। बी का मान अब निकालेंगे, और बी का मान कैसे निकालेंगे बताए कि उनको घटा देते हैं। अब 27 माइनस 5 बटे में 2, 27 में से 2, 27 में से 5 कम कर देंगे तो हो जाएगा 22, 27 में से 5 कम करेंगे तो 22 होगा, और 22 में 2 से भाग देंगे तो कै भर जाएगा, 11 भर जाएगा। तो ए का बी का मान कितना मिला, 11। क्लियर है कि बी का मान पता चल गया, ए का मान पता चल गया। यदि आप बहुत तेजी से कर लेते हैं तो सीधे आप कहेंगे ए का मान यानी दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं तो होगा 27 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा, 27 प्लस 5। आप जोड़ लेंगे तो तेजी से जोड़ते हुए आगे निकाल सकते हैं आप, तो तेजी से जोड़ते हुए निकाल सकते हैं तो 27 प्लस 5 को कहेंगे 32 होगा, 32 में 2 से भाग देंगे तो 16 आएगा। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आप ए का मान निकालेंगे। उसी तरह कहेंगे कि अब इनको घटाकर, बी का मान निकाला जाता है कैसे, बी का निकालेंगे घटाकर, तो 27 माइनस 5 22 कितना होता है, 22, 22 में 2 से भाग देंगे तो 11। तो इनको अपने मन में कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे हम लोग ए और बी का मान इस तरह निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर में है, हम लोग इनको इनके साथ गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे 7 में, तो 7 लिखे 21 हो गया। उसके बाद ये 3 का हमने 7 में गुणा कर दिया तो 21 हो गया। और उसके बाद हम क्या करते हैं, ये 4 को हम इधर गुणा करते हैं, किन में, 4 में करेंगे, तो 4 का 4 में करेंगे तो 16 हो जाएगा। लेकिन 2 इन 3 का 7 में गुणा किए तो 21, और 4 का 4 में गुणा किए तो 16, तो 16 हुआ। लेकिन इनके बीच के जो चिन्ह होंगे प्लस का या माइनस का क्या लिखेंगे, जब 2 का गुणा किया जाता है बीच में तो हम केवल माइनस रखते हैं, क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। और यहाँ पे जो इनका कोफिशियंट है वही यहाँ पे कोफिशियंट यानी गुणांक जो है, यानी यक्स का मान चल रहा है तो यक्स रखेंगे, जो यहाँ पे होगा उसका यक्स का होगा तो यक्स रहेगा, यहाँ पे वाई होगा तो वाई रखेंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ बराबर कर लेते हैं, अब 3 का गुणा करते हैं इनमें, 18 * 54। उसके बाद बताए ना, 1 का गुना हो गया, जब दूसरे का गुना करेंगे तो बीच में माइनस लगा देंगे, और 11 * 44 इनको हल कर लेंगे। अब 21 में से 16 कम कर लीजिए, 5 होगा, तो यहाँ पे हमने 5 लिख लिया x, ठीक है, 5 हो गया। अब 54 में से 44 कम कर लीजिए, 54 में से 44 कम करेंगे तो 10 होगा, और 5 को यक्स, 5 यहाँ पे 5 यक्स है, इधर 10 है, तो 5 से कटा देंगे दो बार में, तो यक्स का मान मिल गया 2। अब हम लोग करते हैं एक अगला सवाल, अब इनमें हम लोग करेंगे, जैसे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सवाल तेजी से बना सकते हैं, बात समझ में आ गया, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सवाल आप बना सकते हैं, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो देखते रह जाएंगे, कुछ बनने वाला नहीं है, अगले दिन भूल जाएंगे, फिर लगेंगे याद करने कैसे हुआ। लेकिन जैसे एक सवाल देखिए उसको तेज़ी से आप बनाएंगे और हल करेंगे तभी आपके पास रह पाएगा, यही नियम है कि कैसे आप अपने पास रख पाते हैं। तो इनको इनके साथ गुणा करिए, 2 का करेंगे तो 4 होगा,
इनका इनके साथ गुणा करेंगे तो माइनस 15 हो जाएगा। अब माइनस 15 हो गया तो हम तो पहले एक बात यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जब दो के बीच में गुणा क्रॉस किया जाता है तो बीच में क्या रखा जाता है, माइनस, तो माइनस हम लगा दिए। अब उसके बाद 5 का 3 में करेंगे तो माइनस 15 होगा, तो जब माइनस 15 होगा तो कोष्टक तोड़ते हैं हम लोग तो क्या हो जाता है, माइनस और माइनस प्लस, तो इसका ध्यान आप रखेंगे कि वो होगा क्या, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 15 और जो यहाँ पे चल रहा है रखेंगे यक्स। उनके बाद अब क्या करते हैं, 2 का इधर गुणा करेंगे, 2 5 10 और 22 का 3 में गुणा करेंगे, सही, तो 22 3 66, लेकिन यहां पे हम लोग का माइनस रहता है, जब दो के बीच में गुणा करते हैं तो माइनस रहता है। अब दो के बीच में जब गुणा करते हैं तो माइनस रहता है, लेकिन अब हम लोग करेंगे यहां पे क्या, देखिए 22 का जैसे उनमें गुणा करेंगे तो माइनस इनका भी आएगा, तो माइनस जब इनका आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस जैसे इनका आता है तो जैसे माइनस आता है तो पहले से माइनस है, दो के बीच में गुणा करते हैं तो माइनस रहता है और ये माइनस आएगा तो धनात्मक हो जाएगा, तो हो जाएगा 66, 22 3 66 होगा। अब इनको जोड़ेंगे, 15 4 19 बराबर 66 और 10 को जोड़ दीजिए, 66 और 10 को जोड़ेंगे तो होगा 76। यक्स का माल निकालेंगे, 19 चौका 76, तो 19 से कम 19 और 19 चौक 76, यक्स बराबर हो गया हम लोग का 4, यक्स बराबर 4। यदि आप इसमें वाई का मान निकालना चाहते हैं तो यक्स का मान पुट कर सकते हैं आप किसी समीकरण में, रखने और पुट करने तो मेरे बड़े भाई आप लोगों को बता है कैसे पुट किया जाता है, कैसे रखा जाता है, ये आप बात जानते हैं। अब एक काम किया जाए, इनमें से हम लोग यक्स का मान तो निकाल लेते हैं, अब वाई का मान कैसे निकालेंगे, वाई का मान कैसे निकालेंगे देख लीजिए। हम इनको पहले तो सीधा कर सकते हैं, कैसे करेंगे, सीधा कह लेंगे, यदि हम यहाँ पे माइनस 3y और प्लस 2x बराबर 5 कर दे इस समीकरण तो कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए हम कर रहे हैं कि जब तक यहाँ पे y रहेगा तो y का मान मिलता है और x रहेगा तो x का मान मिलता है, इसलिए हम इनको समीकरण को सीधा करते हैं। उनके बाद 2y प्लस 5y बराबर 22। अब इनका हम इनमें गुणा करेंगे, 5 का 3 में करेंगे तो माइनस 15 कितना आया, माइनस 15 आ गया, उसके बाद दोनों के बीच में गुणा किया जाता है तो माइनस आता है तो माइनस लगा देंगे, 2 दुना के 4 और यहाँ पे y है तो अब हम लोग का y का मान पता चल जाएगा। अब यहाँ पे y है तो अब बराबर करके करते हैं, 5 का 5 में करेंगे तो 25, 22 का 2 में गुना करेंगे तो 22 दुना 44, लेकिन बीच का जितना है उस पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब दो के बीच में गुणा किया जाता है तो माइनस रखते हैं, यदि आप वहाँ पे माइनस नहीं रखेंगे तो हो जाएगा क्या होगा, आपको दिक्कत होगा, क्या होगा, दिक्कत होगा। जैसे एक बार और चेक कर लेते हैं, 5 का 3 में किए तो माइनस 15, 2 का 2 में किए तो 4 4, लेकिन बीच में माइनस रहेगा। अब इनको जोड़ेंगे, 15 में से 4 कम कर दीजिए, 15 में से 4 कम करते हैं तो हो जाता है 11, नहीं माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस 19 होगा, कितना होगा, माइनस 19y बराबर, इनको इनके साथ 25 है और 44, 44 में से 25 कम कर दीजिए, तो जैसे आप 44 में से 25 कम कर देते हो तो कितना बन जाता है, तो जैसे हल करते हैं 25 और माइनस 44 तो 19 हो जाएगा, माइनस 19 कितना होगा,
माइनस 19। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना है, जो ध्यान देना, यदि दोनों तरफ माइनस आ जाए ना, दोनों तरफ माइनस आ जाए तो हम माइनस को छोड़ देते हैं, या आप ये भी कहेंगे जब माइनस में माइनस का भाग दिया जाता है तो कट जाता है। क्या होता है? कट जाता है। तो आप इनके ऊपर जो भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि दोनों तरफ माइनस है तो उनको हम लोग प्लस बना दें या छोड़ दें, या छोड़ दें, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तब यहाँ पे y बराबर y का यानी 19 को 19 से कटा देंगे तो एक बार में जाएगा, तो y का मान पता चल गया 1। कितना पता चल गया? 1 हो गया y का मान 1। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, 5 इनमें इनके साथ गुना कर लिया जाए, 15 और 2 को इनके साथ माइनस, लेकिन माइनस का माइनस में गुना, माइनस का धन में गुना करते हैं तो माइनस 15 होगा, और इनका इनके साथ करेंगे तो माइनस 8 होगा। और यहाँ पे जो कोफिशियंट है उनका यहाँ पे मान रखते, तो यक्स है तो यक्स रखेंगे, बराबर 3 का इधर करेंगे तो माइनस 9 होगा, और 4 का इनके साथ करेंगे तो माइनस, और इनका माइनस धनात्मक हो जाएगा, तो 8 चौके 32। देखिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा, उतने तेजी से आप सवाल बनाएंगे, नहीं तो देखने से मेरे भाई नहीं होने वाला है। सही बात है? तो कुछ आप परिश्रम करेंगे, इनको जोड़ दीजिए, 15 5 20 और 3 23 माइनस 23 एक्स बराबर, इनको जोड़ेंगे 9 एक 10 11, 11 को एक हाथ में लगा, 1 और 3 और 1 4, कितना होगा जोड़िए, 32 32 8 40 और 40 और 1 41, लेकिन माइनस माइनस 41 हो जाएगा, माइनस माइनस तो जोड़ेंगे तो 41। यक्स का मान निकाल सकते हैं इनके साथ, इधर हम लोग का माइनस माइनस, इनको एक बार चेक कर लिया जाए कि सही है कि गलत। 3 का इनमें 5 में किए तो माइनस 15 सही, 2 का 4 में किए तो माइनस 8 वो भी सही है। अब इनके साथ 3 का इनमें करेंगे तो माइनस 9, और 8 का 4 में किया था 8 चौके 32, तो पहले से यहाँ पे माइनस रहता है, ध्यान से देखेंगे पहले से माइनस रहता है, और माइनस हम लोग लेके आ भी रहे तो प्लस हो जाएगा, क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस 9 और प्लस 32। अब हम लोग हल करेंगे, सीधा हो गया, अब 32 में से 9 कम कर दीजिए तो कितना बन जाता है, कर लीजिए 12 में से 9 कम कर लेते हैं तो हो जाएगा 3 हो गया, और यहाँ पे बचा है 2 23 हो गया, धनात्मक 23 हुआ, कितना हुआ धनात्मक 23 हुआ, धन वाले अधिक हैं तो इसलिए धनात्मक रख दिए। अब यहाँ पर इनको इनके साथ कटा देंगे एक बार में, तो ये इधर माइनस है तो माइनस को हम आगे कर लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा माइनस 1, x बराबर माइनस 1। यदि आप लोगों को सवाल समझ में आया तो लाइक कीजिए, और कमेंट में जब आप भेजते हैं तो हम लोग को बहुत खुशी होती है कि मेरे बड़े भाई बहन समझ पा रहे हैं, ताकि हम और किस तरह और किस ढंग से और उनके पास अपना वीडियो भेजें। और जो व्यक्ति सब्सक्राइब कर देता है तो उनको हमारे प्रत्येक वीडियो उनको मिल जाता है, इससे आपको सहयोग होता है। अब हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन आप अपने से इनका यक्स का मान आप बना के दे दीजिएगा, और वाई का भी मान, दोनों का मान आप यदि समझ में आ गया है, निश्चित है कि आ गया होगा, देखे होंगे ध्यान से, तो इनका उत्तर आप दे दीजिएगा। इसके लिए बड़े भाई धन्यवाद।